कुछ बहुत पैर दुख रहे, आज तो बहुत थक गई मैं। अभी आई हो तुम? हाँ, वो मिसेस मेहरा की बुटीक की ओपनिंग थी ना, उसके बाद कॉकटेल पार्टी, टाइम का पता ही नहीं चला। मैं तो मना ही कर रही थी, फिर सोचा तुम्हारी रेपुटेशन का सवाल है ना। अच्छा सुनो ना, मेरे ना बहुत पैर दुख रहे, प्लीज थोड़े मसाज कर दो ना। पागल हो गई हो तुम? पूरा दिन काम करके आया हूँ, थकान के मारे बुरा हाल है और तुम्हारे पैर दबा दे। चलो उठो और जाके खाना लगाओ। क्या तुमने ऑफिस में खाना नहीं खाया? क्यों, घर पे खाना नहीं है क्या? नहीं, मैंने तो कुछ बनवाया नहीं, मैं बाहर थी ना, कैसे कोऑर्डिनेट करती? अब क्या मैं भूखा रहूं? मुझे क्या पूछ रहे हो, जो करना है करो। अरे एक मिनट एक मिनट, इतनी रात गए तुम लोग, इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो? ये हमारा भी घर है, हम शोर मचाए या कुछ भी करें, आपको उससे मतलब? आप होती कौन है मैं टोकने वाली? हाँ ऋषभ, और जोर का चिल्लाओ। शट अप सौम्या प्लीज, एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं और ऊपर से तुम और चिल्लाओ और चिल्लाओ। खाना नहीं खाया? क्यों? अब तो तुम प्रॉपर्टी के इतने बड़े हिस्से के अकेले मालिक हो गए हो, 5 स्टार से मंगा के खा लेना चाहिए था तुम्हें। एनीवे, घर में दाल खिचड़ी बनी है, मैं अभी गरम करके ले आती हूँ। नहीं, इस मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है, वो खाना आपके लिए बनाया ना, तो आप ही खाइए। ऋषभ नहीं खाने वाले दाल खिचड़ी। अरे क्यों नहीं खाएगा, मतलब हिस्से तो प्रॉपर्टी के हुए हैं ना, किचन का हिस्सा थोड़ी हुआ है। मैंने मना किया ना, वो नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएगा? मुझे लेकिन नहीं खाना, खाना दूध तो होगा ना घर में, जाओ जाके दूध गर्म करके ले आओ। वो तो नहीं है, सुबह डिजाइनर्स के साथ बैठी थी ना और बंसी काका नहीं थे, दूध पर ध्यान नहीं रहा, सारा उबल कर गिर गया। ठीक है, मैं भूखा ही सो जाऊंगा। अरे खाना क्यों नहीं खाने दे रही हो उसे, वो बेचारा भूखा ही सो जाएगा। सौम्या, आज तक कभी भूखा सोया नहीं है वो, मैं दाल खिचड़ी गरम करके लाती हूँ, तुम उसे खिला देना। नहीं, दाल खिचड़ी नहीं खाएगा, मैं फ्रूट्स लाके दे देती हूँ बहुत सारे। भाभी, वो भाभी रहने दीजिए, एक दिन भूखा ही सोने दीजिए, जब मैं करवा चौथ पे भूखी रह सकती हूँ उसकी खुशी के लिए, तो क्या एक दिन वो भूखा नहीं रह सकता अकल ठीक करने के लिए? वो करवा चौथ वाला भूखा रहना अलग होता है, ऋषभ तो आज तक कभी भूखा रहा नहीं है ना। एक दिन भूखा रहेगा तो जाकर वो रियलाइज करेगा कि कैसे मेहनतें कर करके आप उसे खाना खिलाती थी। भाभी, लेट हिम रियलाइज एंड लेट हिम वैल्यू यू, अब जाइए और सो जाइए, आई विल हैंडल। हाँ हाँ, बस ऑन द वे हूँ, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अब इतनी भी क्या जल्दी है? क्या मतलब? एमएलए साहब रुक नहीं सकते? अरे डील हुई है हमारी, पैसे दिए हैं मैंने उन्हें। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बस आ रहा हूँ। शिट, अब 15 मिनट में कैसे पहुंचूंगा मैं? आयशा के कॉन्टैक्ट्स भी ना उसके जैसे सनकी हैं। क्या हुआ रॉकस्टार, मुंह क्यों लटका रखा है, इतने सैड सैड क्यों लग रहे हो? मुझे पापा की याद आ रही है। इतनी जल्दी? अभी तो गए हैं पापा, अभी से याद भी आने लगी? हाँ,
और वैसे पापा तो इस वक्त ऑफिस में होते हैं ना रोज। लेकिन मुझे तो पता है ना कि वो ऑफिस में नहीं है। हाँ ये बात भी करेक्ट है, बट पीहू इतनी जल्दी इतना सारा मिस कर रही हो पापा को। हाँ आपने मिस कर रहे हो क्या पापा को? मामा मैं पापा को फोन करूँ? नहीं पीहू, इस वक्त पापा बिजी होंगे, गुस्सा करेंगे। जब उन्हें टाइम मिलेगा तो वो खुद हमें फोन कर लेंगे। ओके नहीं मुझे फोन करना है प्लीज मम्मा, मुझे पापा से अभी बात करनी है। हाँ और मुझे कहना है कि वो मेरे लिए वो दिल्ली वाली स्पेशल वाली मिठाई लाए। अच्छा तो ये बात है, पापा की नहीं मिठाई की याद आ रही है? दोनों की। पीहू हेलो। हाय रॉकस्टार। पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, पता है मुझे वर्कशीट में दो दो स्टार्स मिले। और ना वो जो ध्रुव मोहन लड़का है ना बहुत गंदा है, वो मुझे हमेशा चिढ़ाते रहता है, और ना मैंने उसको कल डरा दिया। और पापा मेरे लिए बहुत सारे मिठाई और डॉल लाना, ओके? और खुश के लिए कोई गिफ्ट भी। पीहू पापा को पूछो कैसे। वैसे पापा आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अभी मेरे रॉकस्टार का फोन आ गया तो मैं तो एकदम परफेक्ट हो गया हूँ। पूछो खाना खाया कि नहीं? और हाँ आपने खाना खाया ना? हाँ मैंने खा लिया, आपने? हाँ मैंने भी खा लिया। अच्छा सुन पापा को बोलो दो मीटिंग्स के बीच में वक्त मिले तो थोड़ा सो जाए। पापा अपना मीटिंग के बीच में सो जाना। दो मीटिंग्स के बीच में वक्त मिले तो सो जाना, मतलब दो मीटिंग के बीच में सो जाना। अरे वाह मेरी डार्लिंग गर्ल आज मेरा इतना ख्याल रख रही है। मम्मा पापा आपको डार्लिंग गर्ल ख्याल है? पागल मुझे नहीं तुझे बोले। अब क्या बोलूं? मम्मा आई लव यू मिस्टर कपूर, बाय मिस्टर कपूर बोल दो। बाय बाय बोल, बाय बोल। मम्मा आप मुझे कितना बात करोगे, अभी आप भी थोड़ा बात करो ना, ये लो। चुप। हाय अपना ख्याल रखिएगा, मतलब टाइम पे खाना खा लीजिएगा, रेस्ट कर लीजिएगा। हाँ मैं आई बी फाइन। मम्मा आई लव यू बोलो ना पापा को, बोलो ना। पागल हो गई हो क्या पीहू? मम्मा पापा बिजी है इस समय। आंखें क्या दिखा रहे हो, बोलो ना। ओके बोलो मुझे कपूर आई लव यू, बोल दो ना मम्मा प्लीज। मम्मा आई लव यू बाय। या मी टू, मैं बाद में करता हूँ। ओके बाय। मम्मा आप भी ना। पागल थैंक यू। दादी को देख के हंस रहे ये लोग। ये क्या है मम्मी जी, काली टीके से क्यों बेचारी की शक्ल खराब कर रही है आप? इतना अच्छा बच्चा है किसी की भी नजर लग सकती है। वैसे तो बेचारे को 24 घंटे नजर लग रही है ना? बच्चे को माँ की नजर नहीं लगती नताशा। और क्या ये तुम बार बार खुद को रौनक की मम्मा कहती रहती हो? मैं कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी ये हरकतें दिखाई नहीं देती। वो तो अभी से बोलने में टाइम है, पर बाद में मैं तुम्हारा ये नॉनसेंस बिल्कुल टॉलरेट नहीं करने वाली। छोटू अपनी माँ को मम्मी नहीं बुलाएगा तो क्या बुलाएगा? मिसेज नताशा शर्मा और मिस्टर कार्तिक शर्मा का बेटा है ये, यही इसकी फैमिली है, छोटी सी क्यूट सी फैमिली। और बाकी सब बाहर वाले जिनकी हमें जरूरत नहीं है, है ना? यू नो व्हाट नताशा,
तुम्हें ना किसी अच्छे से दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। ये कार्तिक शर्मा और जानवी शर्मा का बेटा है, और ये नाम रौनक ये किसने रखा है? मैंने, इसकी दादी ने। कार्तिक ने ही कहा था कि मेरे बेटे का नाम रौनक रखना, समझी? कार्तिक? लेकिन वो तो हमेशा कहते थे कि अगर लड़का हुआ तो उसका नाम अनिरुद्ध रखेंगे। रौनक वो नाम है जो कार्तिक और मैं अपने बेटे को देना चाहते थे। वो हमारा फेवरेट नाम था। अब तो प्रूव हो गया ना कि कार्तिक इसे किसका बेटा मानता है। ऑफ कोर्स, तुम तो ऐसा कहोगी, तुम्हारा दिमाग जो खराब है। पर एक बात याद रखना, अगर कार्तिक का ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना, तो अभी वो, छोटू और मैं एक फैमिली की तरह साथ रह रहे होते। रियली? तुम तो जा चुकी थी ना कार्तिक की जिंदगी से, और कार्तिक दोबारा मेरे पास वापस आ रहा था। ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो नताशा। मेरे छूने से कार्तिक को होश आ गया, इंश्योरेंस के पेपर्स में भी मेरा नाम था, और अभी तो उनकी आंखें भी नहीं खुली। सोचो जब वो होश में आएंगे, मुझे अपने पास देखेंगे, तब क्या होगा। तो आज से इसका नाम अनिरुद्ध है, कार्तिक और जानवी का बेटा अनिरुद्ध। तुम बदल के तो देखो। मैं इसे रौनक ही कहूंगी, फिर देखते हैं किस नाम को ये अपना समझता है। और भूलना मत कि उसका तो तुम्हारी गोद में रोना बंद भी नहीं होता। और शायद तुम भूल रही हो, इसके बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा नाम है। तो अपनी ये बेकार की धमकी अपने पास रखो, और लाओ छोटू को मुझे दो, मुझे इसे मालिश करके नहलाना है। मैं ऑलरेडी मालिश करके नहला चुकी हूँ जानवी, तुम्हारी बारी अब कल आएगी। पर तुम जानती हो कि इसे हमेशा मैं तो मैं हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती, सुना तुमने? चलना तो पड़ेगा नताशा, वरना मैं छोटू को तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगी। तो अब लाओ उसे मुझे। क्या तुम बार बार धमकी किसे दे रही हो तुम जानवी? मैंने कहा मैं उसे लेकर जा रही हूँ। तो ठीक है ना, चुप हो जाओ। कैसी माँ हो तुम दोनों, ऐसे लड़ती रहती हो हमेशा बच्चे के ऊपर। कभी उसका ख्याल रखा है? अभी बीमारी से उठाएगी, बस माँ बनने का दोनों दावा कर रही हो, ख्याल कौन रखेगा? साढ़े 400 रुपए की सब्जी एक दिन की, गोपाल काका ये क्या है बे? इतनी महंगी सब्जी कहाँ से लेकर आए यहाँ पे? मैम साहब, भाजी बहुत महंगी हो गई है। अरे सौम्या, सुना तुमने, 450 रुपए की सब्जी है एक दिन की। कमाल करते हैं आप भी, कोई 5 स्टार की दुकान पे जाते हैं क्या लेने के लिए सब्जी? अरे लेकिन मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आगे जाके कॉर्नर पे जो वो ठेले वाला आता है उससे सब्जी लिया कीजिए, वो सस्ती देता है। जी मैम। क्या करूँ अब मैं इसका, रखिए इसे डायरी में, रखिए किचन वाली। और हाँ, मैंने बंसी काका से भी कहा है, आपको भी कह रही हूँ, पीहो बेबी की हर जिद मानने की जरूरत नहीं है, ओके? खास करके चॉकलेट वाली, जब तक वो पूरा खाना फिनिश नहीं करेंगी आप उन्हें चॉकलेट नहीं दें। जी मैम। जाइए, जितनी चॉकलेट देते हैं मुझे बताया कीजिए दिन में। भाभी हाँ, ये देखिए, योगा क्लासेस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, आप कल से ही ज्वाइन कर रही है, ओके? मिस्टर कपूर काफी नहीं थे क्या क्लासेस करवाने के लिए जो तुम भी शुरू हो गए? कहाँ जाऊँ मैं, टाइम कहाँ है मेरे पास? टाइम तो निकालना पड़ेगा भाभी, ये क्लासेस तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप जो ये रोज रोज टेंशन ले रही है ना, इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी। अगर आप मना करेंगे ना, मैं जबरदस्ती आपको लेके जाऊंगी। या राइट, ऋषभ से छुपकर चलेंगे भेस बदल के, ओके? भाभी अब कब तक ये नाटक करेंगे? अब तो मुझे भी लगता है कि हमें मिस्टर कपूर को सब कुछ बता देना चाहिए। कल रात को सोच भी रही थी कि आज सुबह उठते बताऊंगी, बट सुबह सुबह उन्होंने कहा कि दिल्ली जा रहा हूँ, तो मन नहीं किया जाने से पहले उन्हें इतना बौदा करने के लिए। फिर वो ऋषभ की किसी मीटिंग की भी बात कर रहे थे कोई डीलर्स के साथ, तो देन आई थॉट बाद में बताती हूँ। पापा को कितनी फिक्र रहती है ना ऋषभ की, और ऋषभ पता नहीं क्या हो गया उसे, दिमाग खराब हो गया उसका। अरे क्यों ऐसे बोल रही हो यार, बेचारा रात भर काम कर रहा था, 2-3 बार उठकर चेक किया मैंने, मन तो कर रहा था अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर पिला दो, पर फिर तुम्हारी हिदायत याद आ गई। हाँ बहुत एक्साइटेड है वो, कुछ खास मीटिंग है, कह रहा था अगर ये डील फाइनल हो गई ना तो वो साबित कर देगा कि वो भी कुछ कर सकता है और सिर्फ राम कपूर का भाई बन के नहीं रहेगा। बस साबित करना भी चाहिए, बड़ों को सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है जब उनके अपने छोटे
उनसे आगे निकल जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। आई बी सो हैप्पी दैट डे। तुम्हारा फोन, ऋषभ के पीए का फोन। हेलो, हाँ मोहन बोलो। नहीं वो घर पर तो नहीं है, सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकल गए थे। नहीं यहाँ पर तो कोई फोन नहीं आया, तुम मोबाइल पर ट्राई करो ना। स्विच तो ऑफ है। अच्छा हाँ वो मीटिंग में हो गए ना, वो MG रोड पे कोई गैलेक्सी टावर्स में उनकी मीटिंग। क्या किसने कहा तुमसे? आर यू श्योर? ओह गॉड। देखो तुम टाइम टू टाइम मुझे बताते रहना कि वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है? मैं अभी ऋषभ को फोन करती हूँ। ओके क्या हुआ, क्या कह रहा था? भाभी जहाँ ऋषभ मीटिंग के लिए गए थे वहाँ रेड पड़ गई एंटी करप्शन ब्यूरो की। ज्यादा कुछ पता नहीं चला, बस वो कह रहा था कि कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं। ऋषभ का फोन भी नहीं लग रहा है। भाभी वो ठीक तो होगा ना? ऑफ कोर्स ठीक होगा। तुम एक काम करो, तुम मामा जी को फोन करो, उन्हें जरूर पता होगा कि ऋषभ का है। हाँ ओ सब पता है जी। ओ पांजा किसका है, कहाँ है, किस हाल में है, ओ सब खबर रखता है ये मामा। ओ आ जाओ, सब परेशान है। ऋषभ, ऋषभ क्या हुआ तुम्हें? ऋषभ वो मोहन का फोन आया था, वो बता रहा था कि अब वो कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक है ना? आप अपने काम से मतलब नहीं रख सकती? हाँ एक्सीडेंट हुआ है मेरा। जाइए जाइए, जाके खुशियां मनाइए और अपने पति देव को भी बता देना, वो भी दिल्ली में जश्न मना लेगा। ऋषभ एक्सीडेंट, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? I'm sorry, सौम्य। मुझे स्ट्रेचर पे आना चाहिए था ना घर में, या नहीं आता तो ही बेटर होता। सब चुप करो, कुछ भी बकवास कर रहे हो, अनाप शनाप बोल रहे हो। चलो मैं तुम्हें पानी देती हूँ, चलो। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है ड्राइव करते वक्त। बाहर तो कोई चोट नजर नहीं आ रही है, लेकिन कभी कभी अंदर की भी चोट होती है। एक बार डॉक्टर को दिखा देते ना। ओ बहन जी वो दिखा दुखू के लाया हूँ, और डॉक्टर ने कहा है भला चंगा है, हाथ पैर हार्ट ब्रेन सब अपनी जगह पे हैं। थैंक गॉड। फिर ऋषभ तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जरूरी मीटिंग थी मेरी 10 बजे, मैं ऑलरेडी लेट हो गया था और ऊपर से ये सब हो गया। मैं तब से फोन लगा रहा हूँ उन्हें और वो उठा नहीं रहे। लेकिन ऋषभ जिस बिल्डिंग में तुम्हारी मीटिंग थी वहां पर एंटी करप्शन वालों की रेड पड़ गई है। तुम्हें कैसे पता? वो मोहन का फोन आया था ना, वही बता रहा था। आई एम श्योर तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो गई होगी, वो लोग तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही सील कर देते हैं। अच्छा हुआ तुम वहां नहीं पहुंचे, कहीं तुम भी फंस जाते तो। मामा जी आप जल्दी से न्यूज लगाइए टीवी पे, शायद उसमें कुछ बताया हो। उगबाल रिमोट लेके आ भाई जल्दी, मैं मोहन को फोन लगाता हूँ, उसको तो मेरे एक्सीडेंट के बारे में भी नहीं पता। ऋषभ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ नहीं? करवाया गया था। क्या? It was a planned attack. What? Planned attack? कौन करवाएगा ऐसा? विक्रम। विक्रम? हाँ उसने किया ये सब। और उसके पीछे किसका हाथ है ये तो हम सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। किसका चमचा है? आई थिंक तुम्हारे पास बहुत फालतू का टाइम है आयशा, और हाँ लिखने का अच्छा खासा टैलेंट भी है, तुम राइटर क्यों नहीं बन जाती हो? आई नो, आई थिंक मुझे ना न्यूज रिपोर्टर बन जाना चाहिए, सच्चाई सामने लाने का टैलेंट जो है मुझ में। ऋषभ इसे पहचानते हो? ये तो वही आदमी है जिसकी गाड़ी के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, काफी देर तक पीछे पीछे आ रहा था,
फिर अचानक से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और ये विक्रम इसके साथ क्या कर रहा है? इसका मतलब ये एक्सीडेंट प्लान था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।